दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में आज का ब्लॉकबस्टर मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी चार टीमें वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप वर्ल्ड कप का पॉइंट टेबल मैच खत्म होने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में आज का ब्लॉकबस्टर मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम 280 से ऊपर रन बनाने में सफल रही, जहां पे पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम, इसके साथ ही इफ्तिखार अहमद, शादाब खान जैसे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब ये मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 में आज के नए पॉइंट टेबल को। तो पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पे है डिफेंडिंग चैंपियन और जॉस बटलर की कप्तानी वाली यानी कि इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मैच में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली, लेकिन 3 मैचों में इंग्लैंड की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा। तो अभी इंग्लैंड की टीम टोटल 4 में से एक मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी कि बॉटम पे है और इंग्लैंड का नेट रन रेट -1.248 है। और अगर यहां पर से इंग्लैंड को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 5 में से सभी 5 मैचों को जीतना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जा पाएगी। तो इंग्लैंड पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है, वहीं पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है श्रीलंका की टीम और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक मैच में श्रीलंका को जीत मिली और 3 मैचों में श्रीलंका की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी श्रीलंका की टीम टोटल 4 में से एक मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है और श्रीलंकाई टीम का नेट रन रेट -1.048 है। और अगर यहां पर से श्रीलंका की टीम को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो बचे हुए 5 में से सभी 5 मैचों को जीतना ही पड़ेगा, एक भी मैच हारेगी तो ये टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। तो श्रीलंका के सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी मैच डू और डाई की तरह होंगे। वहीं पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है नीदरलैंड की टीम और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 मैचों खेले, जिसमें से सिर्फ एक मैच में नीदरलैंड की टीम को जीत मिली, लेकिन 3 मैच में नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी नीदरलैंड की टीम टोटल 4 में से एक मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है और नीदरलैंड का नेट रन रेट -0.790 है। और अगर यहां पर से नीदरलैंड को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो बचे हुए 5 में से सभी 5 मैचों को जीतना पड़ेगा, एक भी मैच हारेगी तो यह टीम डायरेक्टली सेमीफाइनल के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली और 3 मैचों में बांग्लादेश की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी बांग्लादेश की टीम टोटल 4 में से एक मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है और बांग्लादेश की टीम का नेट रन रेट -0.784 है। और अगर यहां पर से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 5 में से सभी 5 मैचों को जीतना पड़ेगा, एक भी मैच में अगर बांग्लादेश की टीम हारेगी तो यह टीम वहीं पर सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो जाएगी। तो बांग्लादेश के आने वाले सभी मैच बिल्कुल डू और डाई की तरह होंगे। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पर अफगानिस्तान की टीम और अफगान
अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 5 मैच खेले, जिसमें से 2 मैच में अफगानिस्तान की टीम को जीत मिली, जहां पे आज वाले मैच में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और अपने पड़ोसी पाकिस्तान को हरा दिया, जहां पे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के शानदार दमदार बल्लेबाजी के चलते ये टीम पाकिस्तान को हराने में सफल रही। तो अभी अफगानिस्तान की टीम टोटल 5 में से 2 मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट -1.100 है। और अगर अफगानिस्तान को यहां पर से वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 4 में से सभी 4 मैचों को 1-1 करके जीतना पड़ेगा। एक भी मैच हारेगी तो अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। तो अफगानिस्तान के आने वाले सभी मैच डू और डाई की तरह होंगे। इसके बाद पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 5 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 2 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली और 3 मैचों में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जहां पे आज पाकिस्तान बड़ा उलटफेर का शिकार हो गई और अफगानिस्तान के हाथों हार गई। तो अभी पाकिस्तान की टीम टोटल 5 में से 2 मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है और पाकिस्तान की टीम का नेट रन रेट -0.500 है। और अगर यहां पर से पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 4 में से सभी 4 मैचों को जीतना पड़ेगा और अपना नेट रन रेट सुधारना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। तो अब पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने के बहुत कम चांस है। वहीं पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले, जिसमें से 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार जीत मिली, लेकिन 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम हार भी गई। तो अभी ऑस्ट्रेलिया टोटल 4 में से 2 मैच जीतने और 2 मैच हारने के चलते 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट -0.193 है। और अगर यहां पर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 5 में से कम 4 मैचों को जीतना पड़ेगा, तभी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जा पाएगी। तो आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, कमेंट में बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है साउथ अफ्रीका की टीम, और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले, जिसमें से 3 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम को एक तरफा अंदाज में शानदार जीत मिली, लेकिन एक मैच में ये टीम हार गई थी। तो अभी साउथ अफ्रीका की टीम टोटल 4 में से 3 मैच जीतने और 1 मैच हारने के चलते 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है और साउथ अफ्रीका की टीम का नेट रन रेट +2.212 है। और अगर यहां पर से दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 5 में से कम 3 और मैचों को जीतना पड़ेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चली जाएगी। तो साउथ अफ्रीका के पास वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का बहुत ही बढ़िया मौका है। आपके हिसाब से क्या साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पे है न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 5 मैच खेले, जिसमें से 4 मैचों में न्यूजीलैंड की टीम को शानदार जीत मिली, लेकिन अपने 5वें मैच में न्यूजीलैंड का विजय रथ रुक गया और न्यूजीलैंड की टीम को भारत ने एक तरफा अंदाज में हरा दिया था। तो अभी न्यूजीलैंड की टीम टोटल 5 में से 4 मैच जीतने और 1 मैच हारने के चलते 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पे है और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +1.481 है। और अगर न्यूजीलैंड को यहां पर से वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 4 में से कम 2 और मैचों को जीतना पड़ेगा, तो न्यूजीलैंड के पास इस साल सेमीफाइनल में जाने का बहुत ही बढ़िया मौका है। वहीं पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारत की टीम, और भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 5 मैच खेले और 5 मैचों में टीम इंडिया को एक के बाद एक शानदार जीत मिली, जहां पे अपने 5वें मैच में इन्होंने मजबूत न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा दिया था। और इस मैच में विराट कोहली सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड के बराबरी करने से पीछे ही रह गए थे, लेकिन फिर भी विराट कोहली
कोहली के शानदार 95 रन और मोहम्मद शमी के शानदार 5 विकेट के चलते भारत की टीम न्यूजीलैंड को हराने में सफल रही और टीम इंडिया अपना विजय रथ कंटिन्यू कर चुकी है। तो अभी भारतीय टीम टोटल 5 में से 5 मैच जीतने के चलते और 0 मैच हारने के चलते 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है और भारत का नेट रन रेट +1.353 है। और अगर यहां पर से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 4 में से सिर्फ एक मैच जीतना पड़ेगा और टीम इंडिया अपना अगला मैच इंग्लैंड से 29 तारीख को दोपहर 2 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेलेगी। तो भारत की टीम अपने अगले मैच में जीत करके सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का करना चाहेगी। तो आपके हिसाब से भारत पॉइंट टेबल में टॉप पे फिनिश कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में बताएं। तो ये था वर्ल्ड कप में आज का नया पॉइंट टेबल और सेमीफाइनल में जाने वाली 4 टीमों के बारे में बात करें तो इंडिया न्यूजीलैंड के पास बहुत हाई चांस ये दोनों टीमें जाएगी ही, लेकिन तीसरे चौथे के लिए अफ्रीका पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। तो यह था वर्ल्ड कप में आज का नया पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।